हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे? आप सभी को गुड मॉर्निंग। दोस्तों, वैसे भैया को एक खबर मिली है कि लॉस सैंटोस के अंदर फोर एलिमेंट्स की जो कार्य होती है उनका पता चल चुका है। भैया के पास पता नहीं कोई डिवाइस है जिससे उन्होंने पता कर लिया कि वो फोर एलिमेंट्स वाली कार कहाँ पर मिलेगी। ओए मुन्ना, जल्दी ना के इधर आ। हे दोस्तों, वैसे हमेशा से मैं लेट ही उठता हूँ, तो यार चलो फटाफट से मैं नहा लेता हूँ, उसके बाद भैया देखते क्या बोलेंगे। ओए मैं कुछ नहीं बोलूंगा, जल्दी इधर आ मुन्ना। हे भैया क्या हुआ? ओए मुन्ना, तेरे को पता है ना फोर एलिमेंट्स कौन कौन होते हैं? अरे भैया मुझे पता है यार, एक फायर होता है, एक वाटर होता है, एक अर्थ होता है और एक एयर 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 होता है। ओए गधेड़ा, तू स्पीड बोलने वाला था। अरे भैया मिस्टेक लिया, लेकिन मैंने सही बताया ना। अरे ये सही बताया, आज तो मजा आने वाला है, आज तो हम फोर एलिमेंट्स वाली कारें फाइंड करेंगे। अरे यार सिंचन, वो तो ठीक है लेकिन लोकेशन पता चल गई। ओए गधेड़े कहीं के, इसमें कोई एग्जैक्ट लोकेशन नहीं है, ये एक रेडार में पता चलती है। जैसे कि हम उसके पास पहुंच जाएंगे ना, वैसे ही मेरे पास एक मीटर है मुन्ना, उसमें आवाज करने लग जाता है और मुझे पता चल जाता है। ए भैया उस मीटर में दिखेगा। ओए सही कहा, तो लोकेशन तो वैसे मुझे पता है, वो मिलेगा मैं कहीं पानी में। अरे भैया कौन सा पानी में क्या? ओए पहली कार वाटर कार है जो कि पानी में होगी। अरे भैया पानी में मतलब कि गाड़ी है पानी में मिलेगी, कौन सी बार यार? भैया लॉस सैंटोस में तो पानी पानी हर जगह। वैसे आपको बता दूं कि लॉस सैंटोस भैया एक आइलैंड है और चारों तरफ पानी पानी, अब हम कहाँ ढूंढेंगे? ओए थोड़ा सब्र रखेगा, मैं देख रहा हूँ ना, ये मुन्ना कोई लेक है। अरे भैया क्या बात कर रहे, लेक है? ओए ये लॉस सैंटोस का सबसे बड़ा लेक है, उसके अंदर वो गाड़ी है। अरे भैया लेक है लॉस सैंटोस का सबसे बड़ा, ये तो मैं नहीं जानता। ओए चुप रहे, हमें लेक में जाना पड़ेगा और लेक में जाके ढूंढना पड़ेगा, वो गाड़ी उधर ही होगी। और जैसी गाड़ी का सिग्नल मिल गया ना, वैसी मेरे इसमें रेडार में पता चल जाएगा। ए भैया क्या बोलते उसे? ओए मेटल डिटेक्टर। ए भैया चलो ठीक है, मेटल डिटेक्टर नहीं, तुम्हारे पास होगा एलिमेंट डिटेक्टर। ओए सही का एलिमेंट डिटेक्टर है, वैसे बहुत ही मुश्किल से मैंने इसे चोर बाजार से खरीदा है मुन्ना। ए भैया ठीक है, वैसे हमें जाना किधर ये तो बता दो। ओए हमें जाना तो लेक के पास है, लॉस सैंटोस का लेक का है वो ढूंढ। ए भैया एक लेक तो हमारे बगल में ही ऊपर ही है, ये भी तो लेक है। ओए कौन सा? ए भैया रुको अभी दिखाता हूँ, ये बगल वाला लेक ही तो है ना, जहाँ पर भैया हमारे घर के ऊपर जो है। ओए बात तो तूने सही कही, लेकिन इस लेक के अंदर तो कोई रेडार मतलब कि सिग्नल नहीं दिख रहा है मेरे उस पे। ए भैया तुम्हारे एलिमेंटल डिवाइस के अंदर दिख नहीं रहा क्या? ओए नहीं दिख रहा, यहाँ पे वो गाड़ी नहीं है नले। अच्छा भैया चलो यार, अभी हमें दूसरे लेक पे जाना है। वैसे दूसरा लेक लॉस सैंटोस का सबसे बड़ा लेक किधर है? अरे मुझे पता है कि भैया माउंट चिलियाट के पास वो लेक बहुत ही बड़ा ही। अरे हाँ यार सिंचन ने सही बताया, फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं माउंट चिलियाट के पास वाले लेक के पास, और बाप रे बाप कितना बड़ा लेक है। ओए मुन्ना यहाँ पे थोड़े बहुत सिग्नल आ रहे हैं, ओए यही कहीं वो गड्डी होनी चाहिए। ए भैया इतने बड़े लेक में इतनी छोटी गड्डी कैसे ढूंढेंगे? ओए चल कोई नहीं, अपने पास तो एलिमेंटल डिटेक्टर है मुन्ना, अब मैं जल्दी से। हे भैया रुको तो सही, शायद यहीं से दिख जाए मुझे, लेकिन ये लेक कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। ओए मुन्ना हमें एक बोट की ज़रूरत है, बोट लेके हमें घूमना पड़ेगा लेक के अंदर, ओए जभी तो मेटल डिटेक्टर के अंदर डिटेक्ट हो पाएगा। हे भैया चलो ठीक है, भैया का आइडिया काम करेगा, लेकिन इतना बड़ा लेक, बाप रे बाप भैया बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाली है वाटर वाली एलिमेंटल कार ढूंढने के लिए। ओए इसलिए तो रेयर है, हर किसी ने ढूंढी नहीं उसे। ए भैया ये भी तुमने सही कहा, चलो यार अभी सबसे पहले हमें क्या इंतजाम करना है? ओए सबसे पहले हमें चाहिए एक बोट। ए भैया बोट तुम लेकर नहीं आए, लेकिन आसपास जरा चेक करते हैं शायद बोट हो, क्योंकि लेक के पास तो बोट होती है, क्यों सिंचन? अरे अभी भैया सही कहा, यही कहीं होनी चाहिए। अरे यार तो फॉलो मी, चलो देखते हैं। ओए मुन्ना जल्दी कर, वैसे ही बहुत टाइम लगने वाला है। ए भैया ये तो तुमने सही किया, चलो दोस्तों फटाफट से चलते हैं। अरे की भैया हमें कहाँ बोट मिलेगी? अरे ये देखो एक बोट पड़ी है, लेकिन ये क्या, ये तो टूटी फूटी है। अबे इस बोट से ढूंढेगा पागल हो गया क्या? अबे चप्पू चला चला के दिमाग खराब हो जाएगा, हमें इंजन वाली बोट चाहिए मुन्ना। अरे भैया ये तो सही कहा यार, इंजन वाली बोट कहाँ मिलेगी, कहाँ मिलेगी? ओए यहीं कहीं तो होनी चाहिए आसपास, किसी ना किसी की तो बोट होगी।
ए भैया यार चलो ढूंढना ही पड़ेगा यार, बोट ढूंढो अब पहले तो। ए वहां पे किसी की आवाज आ रही है, लगता है वहां पे बोट है। अरे बाप रे भैया बोट मिल गई ये। अरे आज मैं बोट लेके जाऊंगा, प्लीज मुझे ले जाने दो, मुझे बहुत सारी मछलियां पकड़नी है। अरे बाप रे भैया जल्दी आओ, ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं, कौन बोट ले जाएगा, इससे पहले हम गोली कर देते हैं इनकी बोट को। अरे सही क्योंकि भैया जल्दी चलो जल्दी चलो, इस बोट को ले जाने का टाइम यही है। अरे सही टाइम यही है सिंचन, चलो आ जाओ फटाफट से बैठो भैया। ओए मुन्ना उनको पता नहीं चलना चाहिए, ओए जल्दी आ। ए भैया बस मैं भी आ गया, बोट को स्टार्ट करना था लेकिन नीचे 1 रुपया गिरा था, अबे 1 रुपया उठा रहा गधा कहीं का। ए चलो अब यहाँ से निकलते हैं ये। ओए मुन्ना मैं अपना रडार में ये दिया। ए भैया क्या बोल रहे हो, ओए मैंने मशीन चालू कर रखी है, ओए इसमें एलिमेंटल डिटेक्टर में डिटेक्ट तो कर नहीं रहा मुन्ना, बस 1 पॉइंट सिग्नल आ रहा है। ए भैया 1 पॉइंट आ रहा है, वैसे कितने पॉइंट पे स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है, ओए कम से कम 3 पॉइंट तो होने चाहिए, अभी खाली 1 ही पॉइंट है। अरे भैया 1 पॉइंट है, ओए इधर जा रहा है, 1 पॉइंट भी गायब हो गया, अब तो कोई सिग्नल नहीं आ रहा मुन्ना। अरे बिल्कुल भी सिग्नल नहीं आ रहा, ओए सही का डिटेक्टर में 0 सिग्नल है। अरे यार ये क्या बात कर रहे हो। ए अभी आया क्या भैया, ओए इधर तो कोई भी सिग्नल नहीं है, इधर नहीं है मुन्ना, इधर की साइड नहीं है, मोड़ यहाँ से। अच्छा भैया इधर नहीं है, सही से इधर आया क्या, ओए 1 सिग्नल आ गया, यहीं कहीं होनी चाहिए गाड़ी। ए भैया अब कितना सिग्नल दिखा रहा है, ओए 1 के साथ, अबे 2 हो गया मुन्ना, यहीं का ही आसपास हो गाड़ी है, जल्दी से ढूंढना पड़ेगा। अरे भैया 2 दिखा रहा है ना, तो यहीं कहीं होनी चाहिए वो। ओए रुक रुक, अबे 1 हो गया, ले गायब हो गया। ए भैया क्या हुआ, ओए अभी 1 हो गया, पहले 2 हुआ था, अभी 1 सिग्नल दिखा रहा है। ए यार बाप रे यार कैसा डिटेक्टर भैया, ढंग से बताओगे। ओए जैसे ही तू पास ले गया ना मैं बता दूंगा मुन्ना, वैसे बता रहा हम काफी पास पहुंच चुके हैं उसके, यही कहीं आसपास वो एलिमेंटल कार होनी चाहिए। अरे भैया एलिमेंटल कार है, ए वो पानी के अंदर है, इतना मुश्किल है ढूंढना उसे, क्या बताऊं मैं। ओए आसपास यही कुछ अजीब सा तो दिखना चाहिए यार मुन्ना, कहीं भी गाड़ी नहीं दिख रही है। ए भैया गाड़ी छोड़ो यार ये बताओ, ओए फुल सिग्नल हो गया मुन्ना, बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का सिग्नल दिखा रहा है, अब यहीं कहीं आसपास वो गड्डी होनी चाहिए। अरे बाप रे भैया गड्डी तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये क्या है, अबे ये कैसे पानी उड़ रहे हैं यहाँ पे। ए भैया लगता है नीचे कुछ ना कुछ है जिससे ये पानी उड़ रहा है, ओए सही कहा। अरे मुझे लगता है और यहाँ पे मेटल देख रहा है, अरे डिटेक्टर भी पूरा कंफर्म कर रहा है कि यही आसपास गाड़ी है। ए भैया मुझे लगता है इसके नीचे गाड़ी होगी। ओए मुन्ना तो तुझे नीचे आना ही पड़ेगा। ए भैया चलो ठीक है मैं जाता हूँ नीचे, लेकिन भैया अगर यहाँ पे गाड़ी नहीं मिली तो मैं तुम्हें पीटूंगा सही में। ओए तू जा ना, मेरा मैं एलिमेंटल डिटेक्टर नकली नहीं होगा। अच्छा भैया चलो, लग तो रहा है यहाँ पे कुछ ना कुछ है ऐसा। दोस्तों ये मैंने डाइव लगाई और नीचे में देखना यहाँ पे क्या है, मुझे दूर का नहीं दिख रहा यार। लेकिन यहाँ पे वाटर वेव नजर आ रही है, जैसे किसी चीज से निकल रही है। और ये क्या भाई साहब, भाई हमने ढूंढ निकाली वाटर एलिमेंटल कार, वाह भाई साहब कितनी ज्यादा पावरफुल है। और दोस्तों इस गाड़ी की ये खासियत है, ये पानी के अंदर भी चलती है और पानी के ऊपर भी चलती है। चलो यार इससे हम जल्दी से, अरे इससे पहले मेरी सांस फूल रही, थोड़ा सा मुझे ब्रीथ के लिए हवा ऑक्सीजन चाहिए होगी। ए ओए मुन्ना मिल गए क्या, ए भैया मिल तो गई गाड़ी, अभी मैं जा रहा हूँ भैया सेकंड डाइव लगा के उस गाड़ी को लेने। ओए ठीक है जल्दी लेके आ। ए दोस्तों फाइनली हमें इसे ऊपर निकालना है और ये हम इसमें बैठते हैं। और ये देखो दोस्तों, जैसे कि मैंने सोचा था ये गाड़ी पानी पे चल सकती है क्योंकि ये पानी से ही बनी गाड़ी है। ए भैया देख रहे हो ना, अबे इसका स्मोक भी देख रहा है नीले कलर का है, अबे कहाँ गया। ए दोस्तों सबसे पहले हम इसमें राइड करेंगे और इसकी टॉप स्पीड, अरे बाप रे बाप कितनी तगड़ी स्पीड है इसकी। ए ये तो कुछ ज्यादा है यार, मैं क्या ही बोलूं कितना मजा आ रहा है। ये ट्रैफिक फ्रैफिक कुछ भी नहीं यहाँ पे, मस्त गाड़ी चलाओ यार। एकदम फुल स्पीड में पानी के ऊपर गाड़ी चलाने का मजा ही कुछ और होता है। और दोस्तों इस गाड़ी में से यार कुछ पानी ऐसा निकल रहा है इंजन से, शायद ऐसे पानी से बनी है तो इसीलिए इसमें से पानी निकल रहा है। लेकिन फिलहाल ये मेरी स्पीड देखो कितनी तगड़ी है ये।
ओए मुन्ना मुझे भी बैठा उसमें। अरे भैया रुको रुको अभी आ रहा हूँ यार लेके, मुझसे पहले थोड़ी तो मैं मस्ती कर लूँ ना। ए चलो यार ये देख रहे हो, वैसे ही मैं पानी के ऊपर ड्राइव कर रहा हूँ। यार मैंने कभी सोचा नहीं था मैं पानी के ऊपर भी ड्राइव कर सकता हूँ, और यार इतनी स्पीड में। ये भैया वैसे मेरा वेट कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों भी चलते भैया को लेने भी। और मुझे देखना क्या यहाँ से मैं नीचे गिरूंगा या ये गाड़ी मुझे बचा लेगी। चलो टेस्ट करते हैं क्या ये गाड़ी इतनी ज़्यादा पावरफुल है। अरे बाप रे मज़े आ गया, ये गाड़ी तो वाटर के लेवल में चल रही है अभी भी। और ये फाइनली इस गाड़ी ने मुझे बचा लिया, लेकिन मुझे भैया से कोई नहीं बचा सकता। भैया अब गुस्सा कर रहे होंगे, मुझे भैया को भी राइड करवानी है। चलो दोस्तों फाइनल से भैया के पास चलते हैं, क्योंकि भैया ने बहुत मेहनत करी है और हमारे पास पहली गाड़ी हो चुकी वाटर एलिमेंटल कार। इसके मजे लेते हैं। ओए इधर आ नल्ले कहीं के, जब से बोल रहा मुझे बैठा ले। ए जल्दी बैठो जल्दी बैठो। ओए बैठ रहा हूँ नल्ला कहीं का। अरे क्या कर रहे तो? ए भैया मजा आ रहा है ना? वैसे दोस्तों इस गाड़ी को हम पानी के अंदर भी चला सकते हैं, ये देखो। ओए बाप रे पहली बार मैंने गाड़ी देखी जो पानी के अंदर भी चलती है। ए भैया मजा आ रहा है ना? ओए सही का बहुत ही मजा आ रहा है मुझे तो। ओ भाई साहब क्या ही मजेदार लग रहे हैं यहाँ पे। ए भैया ए अभी देखो मजा लेने का दूसरा तरीका ये। अबे ये क्या, अबे कहाँ चढ़ा दिया तूने गड्ढे को? अरे भैया रुकोगे यार, इसकी और भी ज्यादा कलाबाजी करने का टाइम आ गया। अबे पानी में स्टंट कर मुन्ना, अबे गाड़ी से स्टंट करने का मजा ही कुछ और है। ए भैया सही कहा, ये लगाई मैंने गाड़ी से डाइव दोस्तों पानी के अंदर और सीधा अंदर। अब देखो मैं इसे फिश की तरह चलाऊंगा। अरे ये क्या, ए दोस्तों ये देखो मैं इसको व्हेल की तरह चला रहा हूँ अंदर फिर बाहर डुबकी लगा के। अभी मजा आ रहा है ना भैया? ये ओए बहुत ही मजा आ रहा है, क्यों सेंजन? अरे यार होगी भैया कितना मजा आ रहा है इस गाड़ी के अंदर, वाह वाह ये गाड़ी तो काफी कूल है। अरे सही मजा आ रहा है ना, मुझे भी काफी ज्यादा। और चलते डीप वाटर में। ओए मुन्ना नीचे देखो गाड़ी फंस ना जाए कहीं जाके। अरे भैया सही कहा यार, वाह ज्यादा डीप जाएंगे तो कहीं गड्ढे वड्ढे में फंस गए तो दिक्कत हो जाएगी। चलो बाहर निकलते। और ये भैया कितनी लंबी जंप लगा दी हमने पानी से। अबे क्या कर रहा है, सरफेस पे गिरे ना मुन्ना अपनी बैंड बचाएगी। अरे पानी में लेके चल। ए भैया डरने का नहीं यार, ये तो भाई अपनी वाटर कार इतनी डेंजर है क्या बताऊं मैं, ये सीधा पानी के अंदर। ओए बाल बाल बचे, अभी तो तूने सब कुछ हिला देना था गिरा के इस पे। ए फाइनली भैया बहुत मस्ती हो चुकी है और इस गाड़ी के और भी ज्यादा यहाँ पे स्पेशल बटन मुझे नजर आ रही है। ओए क्या, कौन सी बटन दिख रही है? वैसे गाड़ी तो काफी मजेदार है मुन्ना। ए भैया मजे आ गया यार, ये एलिमेंटल कार काफी ज्यादा बेस्ट है यार। क्या ही बताओ, मैंने इससे पहले ऐसी गाड़ी नहीं देखी जब पानी में ऐसे चलती है। ये ओए ये सबमरीन बोट और कार पता नहीं किस किस के बराबर है। ए भैया सही कहा, ये देखो बैक फ्लिप लगा दी मैंने, भैया देख रहे हो ना। ओए ठीक है मुन्ना, अब तू कौन सी बटन बता रहा था, स्पेशल बटन है क्या वहाँ पे? ए भैया इस गाड़ी में और भी ज्यादा पावर है, जो कि भैया ये एलिमेंटल कार है तो मैं यहाँ पे एलिमेंट्स को कंट्रोल भी कर सकता हूँ। ओए वो कैसे? ए भैया वाटर को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ यहाँ पे। ओए क्या बात कर रहा है? ए भैया सही कहा, मैं भी देखते हैं। चलो पहले यहाँ से निकलते हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज मैं बताना चाहता हूँ यार, वाटर कार मतलब कि यार यहाँ पे जमीन पे उतने बढ़िया नहीं चलती है। ओए सही कह रहा है, क्योंकि ये वाटर कार है ना इसीलिए। ए भैया सही कहा, तो ये देखो स्पेशल बटन प्रेस करते भैया ये क्या हो गया? अबे ये क्या पूरा पानी पानी कर दिया तूने? ए भैया बारिश होने लगी, क्या बात है भैया, इस बटन प्रेस करने से मैं बारिश कर सकता हूँ कभी भी लॉस सैंटोस के अंदर। और इसके साथ दोस्तों मैंने पानी पानी हर जगह कर दिया जिससे मेरी गाड़ी स्मूथली इस रोड पे चल सकेगी। ओए समझ गया, अबे इस गाड़ी ने तो अपना खुद का ही रास्ता बना लिया, हर जगह पानी कर दिया है। ए भैया सही कहा यार, वैसे सूखे वाले सरफेस पे गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन दोस्तों हमने बारिश करके यहाँ पे फुल मौज कर दिया है। और इसी के साथ अब हम चलेंगे अपने घर पे इस गाड़ी को सबमिट करने, मतलब कि कलेक्ट करने। ओए क्या बोल रहा है? ए भैया चलो फाइनली निकलते अब यहाँ से। ओए जल्दी चल। ए बाप रे बाप, अबे ये क्या, अबे ये गाड़ी पलटी तो इसके अंदर से कितना सारा पानी निकला। ए भैया सही का, पानी ही पानी हो गया हर जगह, मजे आ गया यार ये गाड़ी को लेके।
ओए बहुत हो गया, चल घर पे, हमें और भी ज्यादा एलिमेंटल कार्ड तो चाहिए होंगे। ए फाइनली दोस्तों, हम आ चुके अपने घर पे और इस गाड़ी को करेंगे यहाँ पे। ओए चले चले चल, ओए सबसे पहले बारिश बंद कर दे मुन्ना। ए भैया सही कार, नेक्स्ट हम कौन सी कार लेने चलेंगे भाई? ओए मेरे को लगता है अरे यार फायर वाली कार लेने चले ना भैया। अरे यार फायर वाली कार, ओए रुक जा, फायर वाली कार, बाप रे बाप मुन्ना, वो तो दिखा रहा है वॉल्केनो में कहीं है। अरे भैया क्या बात कर रहे, वॉल्केनो आइलैंड पे? ओए सही कहा, लॉस सैंटोस में तो एक ही वॉल्केनो है और दिखा रहा है कि वो फायर कार वॉल्केनो के अंदर होगी, क्योंकि वॉल्केनो के अंदर आग होती है ना इसीलिए। अरे भैया ये तो सही कहा, लेकिन वॉल्केनो आइलैंड पे तो भैया सारे के सारे ड्रग डीलर रहते हैं। ओए सही कहा, वहां पे तो बहुत ही ज्यादा खतरा है। अरे बाप रे, वॉल्केनो आइलैंड पे कौन जाएगा अब? ओए वहाँ पे आदिवासी लोग भी रहते हैं, बाप रे बाप, वहीं तो अपन लोगों को किडनैप ना कर ले वो। ए भैया ये तो सही कहा तुमने, लेकिन भैया ऐसा करते हैं, मुझे वहाँ पर तुम छोड़ देना, उसके बाद मैं अकेले जाऊँगा और उस वॉल्केनो में से अपनी फायर वाली फायर एलिमेंटल कार लेकर आऊँगा। ओए ठीक है, ये बात भी सही है, ओए चल ठीक है। ए चलो दोस्तों, हमने अपन ने डिसाइड किया, भैया और सिंचन मुझे बीच के साइड छोड़ देंगे और मैं बोट लेके वॉल्केनो आइलैंड पे जाऊंगा और वहां से गाड़ी लेकर आऊंगा, और ये प्लान तो काम करना चाहिए। ओए सही कहा, वैसे बहुत ही डेंजर है मुन्ना। ए भैया डेंजर तो ये डॉगी भी देख रहे हो अपने, अरे बाप रे पागल हो गए कि हट यहाँ से, हट जाओ। ओए मुन्ना उड़ा दे उसे, हट नहीं रहा तो पागल कहीं का। ए फाइनल दोस्तों, हमारे प्लान के हिसाब से मुझे वहाँ पे अकेले जाना पड़ेगा। ए भैया डर तो लग रहा है मुझे थोड़ा बहुत। फाइनली दोस्तों मैं आ चुका हूँ वॉल्केनो आइलैंड के बिल्कुल पास, और ये आइलैंड बहुत ही ज्यादा डेंजर और फुली एडवेंचर से भरा पड़ा है, लेकिन मुझे यहाँ पे वॉल्केनो को ढूंढना है और वॉल्केनो के अंदर यार दोस्तों अपनी फायर एलिमेंटल कार होगी, जिससे हम फायर को कंट्रोल कर सकते हैं और उस गाड़ी के अंदर बहुत सारी पावर होगी। ए बाप रे बाप, ये देखो मैं इन्हीं की बात कर रहा था, ये रे ड्रग डीलर। ए नहीं छोड़ूंगा, इन्होंने देखते ही मेरे ऊपर गोली लगा दी, मतलब कि गोली से फायर कर दिया। लेकिन इन लोगों ने भी गलत बंदे से पंगा ले लिया। दोस्तों फाइनली वॉल्केनो मुझे नजर आ चुका है, लेकिन वहां जाने का रास्ता मुझे ढूंढना है, मैं कैसे जाऊं? वैसे दोस्तों मैंने बोला नहीं, आइलैंड बहुत ही ज्यादा एडवेंचरस है, मतलब कि इसमें घूमना बहुत ही ज़्यादा टफ है। बाप रे बाप, मुझे वॉल्केनो नज़र आ रहा है, उसी के अंदर वो गाड़ी है, और मैं भैया का मीटर भी अपने बोट में रखा है, और मुझे पक्का यहाँ पे फुल वो मिल लेते सिग्नल कि गाड़ी इसी आइलैंड पे है। तो चलो यार, मैं सबसे पहले वॉल्केनो में ही चलना पड़ेगा। वैसे यार इतनी टाइम वॉल्केनो में फायर कम है, तो ये चांस है मैं वॉल्केनो के अंदर घुस सकूंगा, नहीं तो वैसे तो हमेशा वॉल्केनो के अंदर लावा ही भरा रहता है, तो आज लावा बहुत ही कम है। ए यार जाओ तो जाओ कैसे, यहाँ से चलता हूँ वॉल्केनो के अंदर। फाइनली दोस्तों मुझे रास्ता ढूंढना है वॉल्केनो के अंदर जाने के लिए, लेकिन यहाँ पे मैंने अपनी बोट खड़ी करी है, और दूसरी दिक्कत पता है क्या है कि मैं ये गाड़ी यहाँ से ले लेता हूँ फायर वाली, लेकिन उस गाड़ी को मैं यहाँ पे इसे चला नहीं सकता, क्योंकि मेरे आइलैंड के पूरे अगल बगल में पानी, अगर मैं उस फायर वाली कार को इस पानी में लेके जाता हूँ तो फायर वाली ऐसा हो सकता है कि उसकी पावर गायब हो जाए, तो यार बहुत ही बड़ा रिस्क है, तो इसलिए मैं ये वाली बोट लेकर आया जो कि फायर प्रूफ है, उस पर मैं ये अपनी फायर वाली गाड़ी को रखूँगा और फिर लेके चलेंगे उसे सरफेस पे, फिर वहाँ से हम सीधा उस गाड़ी को चलाएंगे और देखेंगे इसमें कौन कौन सी पावर है। सबसे पहले तो मुझे वो ढूंढना है, मुझे मिल नहीं रही यार अभी। यार ऊपर चढ़ते यहाँ पे वॉल्केनो पे, अरे बाप रे, ए किधर है किधर है यार, इधर मैं काफी ऊपर आ चुका हूँ, लेकिन वॉल्केनो बस एकदम ही पास है। और दोस्तों यहाँ पे मुझे बहुत ही ज्यादा हीट लग रहा है यार, गरम गरम सा, और ये देखो मैं इसी की बात कर रहा था, यहाँ पे आदिवासी लोग यार किसी को भी देख के मार देते है, लेकिन मेरे पास शॉट गन है तो उतनी टेंशन मुझे नहीं हो रही। और दोस्तों ऐसे कहा था मैंने, वॉल्केनो मुझे मिल चुका है, लेकिन इसके अंदर जाने का रास्ता मुझे नहीं मिल रहा। ए इधर से जा सकते हैं क्या? नहीं नहीं इधर से भी नहीं जा सकते। ए दोस्तों जब तक मैं रास्ता ढूंढ रहा हूँ, आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। ए रास्ता कहाँ पे मिलेगा? यहाँ पे रास्ता जा रहा है, चलो देखते है। ओ भाई साहब यहाँ पे लावा निकल रहे, लेकिन यार मुझे अभी भी रास्ता नहीं मिल रहा है।
काश भैया और सिंचन भी यहाँ पे होते, थोड़ी बहुत मेरी मदद कर देते। और ही क्या चल रहा है यहाँ पे? जिंगा लाला हु। अरे बाप रे, ये अपने गॉड को प्रे कर रहे हैं। चलो यार दोस्तों, वो अपने यार गॉड को प्रे कर रहे थे तो हम उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और ये देखो, जर्नलिस्ट भी यहाँ फोटो खींचने में लगा पड़ा है। तो हमें फाइनली यहाँ पे एक रास्ता तो मिल चुका है, चलो यहाँ से अंदर घुसेंगे। और दोस्तों, इससे पहले ड्रग डीलर हमें मिल जाए, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना पड़ेगा गाड़ी ढूंढ के। और ये केव कितनी बड़ी है, बाप रे बाप, इतनी बड़ी केव है। अरे ये क्या गिर गया मैं? ये केव तो काफी बड़ी है दोस्तों, लेकिन केव के अंदर मैं आ चुका हूँ, फाइनली आ गया मैं अंदर। और इसी की बात मैं कर रहा था, यहाँ पे देखो वॉल्केनो और ये पूरा लावा है। और दोस्तों, लावा के बीच में पड़ी अपनी फायर एलिमेंटल कार, ये चलो हम इसे लेंगे। लेकिन ये तो पूरी आग से जल रही है। इससे पहले आग मुझे पकड़े, मुझे जल्दी से बैठना है। फाइनली दोस्तों, इस गाड़ी में बैठ गया और मुझे इसे बोट के पास लेके जाना है। ये देख रहे हो इसके अंदर कितनी ज्यादा फायर है। लेकिन अब मैं इसका बन चुका हूँ ड्राइवर, तो ये गाड़ी मुझे नहीं चलाएगी। फाइनली दोस्तों, मैंने अपनी बोट पे अपनी गाड़ी को रख लिया। अब हम लेके इसे चलने वाले इस आइलैंड से दूर, सीधा जैक भैया और सिंचन के पास में। वैसे यार सही किया मैंने अपने पास यार फायर प्रूफ वाली बोट बाय कर ली, नहीं तो यार बहुत ही दिक्कत होने वाली थी, ये तो बोट को ही चला देती। और दोस्तों, ये देखो कितना अजीब लग रहा है, डेंजर दिख रहा है, ये पूरी फायर फायर हो रखी है। वैसे ये फायर मुझे नहीं चला रही, क्योंकि अब मैं इस गाड़ी का ड्राइवर हूँ, इसीलिए इसने मेरा DNA ले लिया। तो यार ये पावर मेरे को मिल चुकी है, अब मेरे को फायर जला नहीं सकती। चलो चलते हैं, सबसे पहले मुझे पानी से दूर निकलना पड़ेगा यार, कहीं मेरी बोट पलट ना जाए, नहीं तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगी, गाड़ी की सारी पावर चली जाएगी अगर इस पे पानी पड़ा तो। वैसे इतना पानी पड़ेगा, बाप रे, डूबी जाएगी ना, आग बुझ जाएगी। थोड़ा पानी पड़ता है तो चल जाता है, लेकिन यहाँ पे तो पानी ही पानी है, ये बड़ा संभाल के मुझे चलाना पड़ेगा। फाइनली दोस्तों, मैं पहुँच चुका हूँ यहाँ पे सरफेस पे। और ये देखो मेरी गाड़ी कितनी मस्त और झकास लग रही है, इसमें हम बैठेंगे और देखेंगे इसकी कौन कौन सी पावर है। और यार दोस्तों, मैं थोड़ा दूर यहाँ पे उतर चुका हूँ, भैया और सिंचन यार वहाँ पे वेट करे, तो मुझे वहाँ लेके जाना पड़ेगा। उससे पहले चलो यार देखते गाड़ी। अरे बाप रे, क्या ही जबरदस्त लग रही है दोस्तों। वैसे आप लोग ये सोच रहे हो कि यार ये आग, इस गाड़ी के अंदर इतनी सारी आग लगी तो गर्म कितनी हो रही होगी, लेकिन ये अंदर से पूरी गाड़ी ठंडी है, क्यों यार पता नहीं है मुझे यार, लेकिन अंदर से गाड़ी ठंडी और बाहर से एकदम गर्म हो रखी है यार, क्या ही बताऊं मैं। फाइनल यार ये गाड़ी बहुत ही ज्यादा डेंजर है। चलो देखते हैं इस गाड़ी का कमाल, आखिरकार इस गाड़ी के अंदर पावर कौन कौन सी है। और यहाँ पे मैं आ चुका हूँ रोड पे। और दोस्तों, ये बटन मैंने प्रेस करा और ये क्या भाई साहब, ये गाड़ी के अंदर पावर है। इसकी पावर दोस्तों देखोगे क्या दमदार है, रुको अभी मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, ये देखो इसकी पावर। अरे बाप रे, वो गाड़ी कितना दूर गई, ये देखो, जो भी मेरी गाड़ी से टकराएगा वो चकना चूर हो जाएगा। अरे बाप रे, ओ भाई साहब, ओ एम जी, कितना दूर गया वो तो, भाई अपने नाना के घर गया सीधा। चल फुट ले यहाँ से दोस्तों, ये गाड़ी के क्या ही कहने यार, हर गाड़ी को टुकड़े टुकड़े कर दे रही है, फोड़ डाल रही है। वैसे ये गाड़ी काफी ज्यादा पावरफुल है यार, लॉस सैंटोस की पूरी पुलिस मेरे पीछे लग जाए, फिर भी यार ये गाड़ी को नहीं रोक सकते, क्योंकि ये गाड़ी किसी को अपने पास आने नहीं देती। देखो कितना डेंजर है ये, बाप रे बाप, बहुत ही ज्यादा डेंजर है वैसे सही में। वाह यार, ये गाड़ी यार काफी ज्यादा पावरफुल है। फाइनली दोस्तों, मुझे जल्दी से निकलना पड़ेगा, जैक और सिंचन भाई मेरा वेट करेंगे यार। मैं दूसरी बीच पे आ गया था, लेकिन वो दूसरे बीच पे मेरा वेट कर रहे हैं। तो यार ये देखो यार, फाइनली बहुत ही मजा आ रहा है मुझे इस गाड़ी को चलाने, और सीधा ट्रक को। अरे बाप रे बाप, ये ट्रक कितना पीछे गया। चलो फाइनली हम पहुंच चुके हैं भैया के पास में। ओए मुन्ना, क्या कर रहा है इतनी देर से हम यहाँ पे तरफ वेट कर रहे हैं, हमें लगा तेरा खेल खत्म। ए भैया, तुम तो ये सोचो के, लेकिन भैया मैं फाइनली ये गाड़ी लेकर आ चुका हूँ। ए भैया आ जाओ अंदर। अबे पागल है क्या, पहले इसका फायर बंद कर, अबे हम लोग जल जाएंगे। ए भैया ये भी सही क्या, चलो फाइनली मैं इसका फायर बंद कर देता हूँ, फिर भैया अंदर आना। ए यहाँ पे फायर ऑफ का मोड भी था, ये मैंने चेंज करा। और ये क्या, यहाँ पे तो यार फ्लेम निकलने पड़ गया गाड़ी से।
ओए बाप रे, गाड़ी तो बड़ी मस्त लग रही है, ऐसा लग रहा है लावा से बनी गाड़ी मुन्ने तो। ए भैया सही कहा, ये लावा से ही बनी तो गाड़ी है, लावा में पड़ी थी तो लावा ही गाड़ी है ना। चलो भाई फटाफट से बैठते हैं। ओए मुन्ना चल जल्दी। ए दोस्त यहाँ पे बहुत ही ज्यादा, और यहाँ पे यार गाड़ी में और भी पावर है। ओए मुन्ना कैसी पावर है इसकी, ये तो दिखा। हे भैया अभी तुम देख के शॉक होने वाले इसकी पावर। ओए क्या है, अरे बाप रे ये क्या, अबे सारी गाड़ियां दूर उड़ जा रही है, ऐसा मुझे क्यों लग रहा है। हे भैया देखा ना वो ट्रक को क्या फोड़ा, बाप रे मजे आ गया। ओए ये क्या है, ओ मुन्ना ये तो गाड़ी काफी पावरफुल है, इसने तो सबकी बैंड बजा दी। ये भैया सही कहा, और इसमें एक और पावर है यार। ये पावर पे लिखा है यार ये यूनिवर्सल पावर है। ओए कौन सी पावर, ए भैया ये पावर के ऊपर लिखा है यूनिवर्सल पावर, प्रेस करूं क्या। ओए रुक जा पहले तो इसी के मजे ले ले, बाप रे पूरा लॉस सैंटोस डिस्ट्रॉय कर देगा। ए दोस्तों फाइनली मैंने यूनिवर्सल पावर प्रेस कर दी और यहाँ पे बारिश होने लगे। अरे ये क्या, ओए मुन्ना ये क्या हो रहा है, बाप रे आसमान से क्या गिरने लगा। ए भैया ये तो आग के गोले आसमान से गिर रहे हैं। दोस्तों ये क्या, ये यार वाटर कार में तो बारिश हो रही थी लेकिन यहाँ पे तो आसमान से ओले, मतलब कि ओले नहीं सॉरी, ये तो फायर के गोले गिर रहे हैं, वो भी छोटे मोटे नहीं इतने बड़े बड़े। ओए ये तो बहुत ही डेंजर हो चुका है मुन्ना, ऐसे तो पूरा लॉस सैंटोस डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अबे इस पावर को ऑफ कर दे। ए भैया जब ही तो इसका नाम यूनिवर्सल पावर थी। अरे बाप रे आसमान से आग के गोले गिराए जा रही है गाड़ी तो। ओए बहुत ही पावरफुल गाड़ी है वैसे ये। ए भैया सही कहा, देख रहे हो क्या हो रहा है पीछे, अरे बाप रे बाप ये कितना बड़ा गिरा। ओए ये तो बहुत ही यार डेंजर है। अरे फाइनली दोस्त हमने बहुत ही यार लॉस सैंटोस में तबाही मचा लिया, इससे पहले पुलिस को पता चले अब हम इस गाड़ी को अपने गैरेज में लेके जाएंगे। और यहाँ पे मैंने यूनिवर्सल पावर को भी ऑफ कर दिया उसी के साथ यहाँ पे। अरे ये क्या, अबे गाड़ी को कहाँ उड़ा दिया तूने। ए भैया गाड़ी तो गई आसमान में, अब हमें चलना अपने घर पे। ओए चल इसको सबमिट कराते हैं। वैसे इसके बाद कौन सी गाड़ी थी। ए भैया इसके बाद है अर्थ कार। ओए अर्थ कार, बाप रे अर्थ एलिमेंट वाल का यार। ए भैया सही कहा, अर्थ एलिमेंटल कार यार वो तो काफ़ी डेंजर हो सकती है यार, फायर कार इतनी डेंजर है तो एलिमेंटल कार भी बहुत डेंजर होगी। अबे तू ढंग से गाड़ी तो चला क्या कर रहा है। अरे यार अगर भैया ढंग से चलाओ ना, मेरे टकले फोड़ दिया तुमने। अरे सिंचन सॉरी 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 यार। वैसे इतनी ज़्यादा पावरफुल गाड़ी किसी के पास हो तो जोश तो आ ही जाता है। अबे मुन्ना क्या कर रहा है तू, तो हर जगह तबाही मचा दिया। ए फाइनली दोस्तों मैं आ चुके अपने घर पे और इस गाड़ी को भी हम यहाँ पे सबमिट करने वाले हैं। और ये क्या, ओए मुन्ना इसके अंदर से फिर से वेव निकलने लगी, देख रहा है कितनी डेंजर। ए भैया सही कहा, और यहाँ पे दोस्तों हमने सेकंड अपनी फायर कार भी यहाँ पे सबमिट कर दी है और उसके साथ हमारी दो कार अभी भी रह चुकी है। और भैया हमें चाहिए अर्थ कार, अर्थ कार कहाँ मिलेगी। ओए मुन्ना अर्थ कार मैप में दिखा रहा है कहीं माइन के पास में है। ए भैया माइन के पास में, जहाँ पे भैया खुदाई होती है ना, ओए माइनिंग होती है यहाँ पे, वहीं पे वही तो मिल सकती है मुन्ना, क्योंकि अर्थ कार जमीन के अंदर से मिलेगी। ओए जहाँ पे पहले से गड्ढा होगा वहीं पे मिल सकती है। ए भैया ऐसी जगह तो मुझे पता है लॉस सैंटोस में किधर है। ओए वो तो मुझे भी पता है, जहाँ से सारा सामान आता है, ओए ईंट वगैरह कंस्ट्रक्शन का जो भी बनता है। ए भैया सही कहा, तो फाइनली दोस्तों में जाना है लॉस सैंटोस में, ओल्ड सिटी में, और वो आउटसाइड पड़ता है वैसे भैया। ओए सही कहा, और वहीं सबसे बड़ी मुन्ना माइन भी है, और उधर ही वो गाड़ी भी मिल सकती है वैसे अर्थ वाली। ए भैया वैसे तुम्हारा ये रडार, तुम्हारा जो क्या था एलिमेंटल डिटेक्टर क्या बता रहा है। ओए एलिमेंटल डिटेक्टर तो यही बता रहा है वहीं होगी। ए भैया चलो ठीक है, वैसे सबसे ज़्यादा टफ था भैया ढूंढना वाटर कार, क्योंकि यार दोस्तों वाटर के अंदर थी तो बहुत ही मुश्किल था। लेकिन फाइनली हम पहुँच चुके हैं यार यहाँ पे। ओए मुन्ना माइनिंग पैलेस पे। ओए यहाँ पे वैसे रेस्ट्रिक्शन है, कोई इंजन आदमी नहीं जा सकता है। ये भैया चुप रहोगे, वो देख नहीं रहा। चलो यहाँ से निकलते हैं। ये फाइनली हम लोग अंदर आ चुके हैं, लेकिन भैया इतने बड़े एरिया में हमें गाड़ी ढूंढनी है, कैसे ढूंढेंगे। ओए सबसे बड़ा गड्ढा जहाँ पे होगा ना मुन्ना, गाड़ी वहीं मिल सकती है। ए भैया यार यहाँ कहीं होना चाहिए था, यहाँ दिख नहीं रही यार। अबे तू सामने देख के चला क्या कर रहा है, पागल कहीं का।
अरे भैया मैं बगल में देख रहा था लेकिन सामने मैंने देखा ही नहीं यार। अबे सामने देख के गाड़ी चला। ए भैया चलो ठीक है। अरे बाप रे भैया इन लोगों से मैं पूछ क्या क्या इन्होंने गाड़ी देखी कोई? ए हेलो सर, क्या आपने यहाँ पे कोई कार देखी है जो कि मिट्टी कलर की हो? अरे जा यहाँ से, वैसे ही मेरा दिमाग खराब है, भाग यहाँ से, आया बड़ा गाड़ी पता करने वाला। अरे बाप रे, ओए मुन्ने तूने गलती पूछ लिया। ए भैया वो क्यों? ओए यहाँ पे सारी गाड़ी मिट्टी कलर की तो हो जाती है धूल से। ए भैया ये बात भी तुमने सही कही यार। लेकिन उसने बहुत ही बदतमीजी से मेरे से बात की यार, मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। ओए कोई नहीं, चल देख लेंगे उसे। सबसे पहला हमारा काम है एलिमेंटल कार्ड ढूंढना, वो भी अर्थ वाली। ए भैया सही कहा, लेकिन ये कोई आवाज़ आ रही मुझे। ओए सही कह रहा है, हिलने की जैसे कोई आज जमीन वमीन फट रही हो। ए भैया सही कहा यार, जैसे चलो देखते हैं। अरे भैया यहाँ पे बॉम्ब फोड़ा है क्या? ओए यहाँ पे माइनिंग है, बॉम्ब तो फूटते रहते हैं। अरे भैया वहाँ पे देखो, मुझे लग रहा है नीचे एक बॉम्ब फूटा है जिससे कुछ दिख रहा है मुझे। ओए मुन्ना हम लक्की तो नहीं कहीं, एलिमेंटल कार नहीं वो? अरे बाप रे मुझे भी लग रहा है वहाँ पे एलिमेंटल कार हो सकती है। देख रहे नीचे इतना ज्यादा धूल क्यों उड़ रही है? ओए सही कहा, बाप रे वहाँ पे इतना सारा धूल उड़ रहा है। मुन्ना जल्दी मोड़ यहाँ से गड्डी डायरेक्ट नीचे। अरे यार काश ऐसी गड्डी होती भैया जो इसके ऊपर आराम से चल सकती थी। अरे अबे क्या कर रहा है, फिर से इंजन का टकला फूटेगा। अरे ये क्या, मेरे तिवारे से टिकले फोड़ दिया ये। और यार जल्दी सीधी कर गड्डी। ए फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं वहां पे, और यहाँ पे इतनी ज्यादा धूल क्यों उड़ी है? लगता है यहाँ पे कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो कि हमें चाहिए। ओए यहाँ पे पूरा रेडार दिखा रहे हैं आसपास वो गड्डी है। ए भैया सामने मुझे लगता है इस धूल के अंदर गड्डी होगी। ओए मुन्ने इस धूल के अंदर जाएगा तो सांस कैसे लेगा? ए भैया एक बार में गाड़ी में अपना कंट्रोल ले लिया तो ये धूल मेरा फिर कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। फटाफट से दोस्तों 1 2 3 काउंट करेंगे, सीधा धूल के अंदर एंटर करेंगे। 1 2 3 ये, और मैं आ गया। लेकिन ये क्या, जैसी मैं गाड़ी के पास आया सारी धूल गायब हो गई। और दोस्तों ये रही अपनी अर्थ गाड़ी। बाप रे बाप कितनी मस्त लग रही वैसे, एकदम मिट्टी कलर में। मिट्टी कलर का यार इसका पेंट है। फाइनली दोस्तों इसके अंदर बैठते, और यहाँ पे डस्ट यार हमारे पीछे, डस्टी डस्ट हर जगह, हम अर्थ की मिट्टी उड़ाएंगे। ये भैया मैं आ गया। ओए मुन्ना क्या कर रहा है? ए भैया जल्दी बैठो नहीं तो इस डस्ट में तुम्हारा भी दम घुटने लग जाएगा। ओए ठीक है, रुक जा बे, रोक इसे, अरे पूरा धूल मचा दिया तूने। ए भैया जल्दी आओ। फाइनली दोस्तों भैया को मैंने बैठा लिया, सिंचन को भी साथ में। लेकिन जो पीछे का नजारा है बहुत ही डेंजर है यार, भी दिखा तो ये देखो यार इस गाड़ी ने क्या कर दिया। बाप रे बाप ये गाड़ी जहाँ भी जा रही वहां पे तूफान आ रहा है। ओए इसकी पावर यही है, बाप रे और क्या पावर है इसकी। ए भैया एक पावर तो ये जा जाएगी, तूफान आएगा। और इसके साथ में भैया इसकी मुझे गाड़ी कुछ अलग लग रही है, वैसे गाड़ी ऐसा लग रहा है जैसे सरफेस से चिपकी पड़ी है। ओए सही कह रहा है, अबे ये बिल्कुल भी उछल नहीं रही मुन्ना। ए भैया इन लोगों से बदला लेने का टाइम आ गया, ये लो सारे के सारे धूल का अटैक झेलो। भैया इन्हें मैं अपने तूफान में सबको फंसा दूंगा, ये देखो सारे के सारे बेहोश हो गए। लेकिन ये कहाँ भागेगा, ये ले इसे भी उड़ा दिया। ओए मुन्ने ये गाड़ी ऐसा लग रहा है इस अर्थ पे चिपक के चल रही है। हे भैया सही का, ये अर्थ पे बहुत ही ज्यादा चिपकी पड़ी है, देखो तो सही, इसमें बिल्कुल भी जंप नहीं हो रहा। बाप रे क्या मस्त चल रही है। तो ओए मुन्ना ये इसका मतलब कि दीवार वगैरह कहीं भी चढ़ सकती है। ए भैया सही का, क्योंकि अर्थ गाड़ी है ना इसीलिए। इस गाड़ी की वैसे पावर काफी मस्त है यार, यहाँ पे बंदे ट्रैकिंग करते हैं, हम यहाँ पे तो गाड़ी से ट्रैकिंग कर रहे हैं, ये देख रहे हो ना। ओए काफी कूल गड्डी है। ए भैया इसकी ये सेकंड पावर है। अब इसकी थर्ड पावर क्या है भैया, वो भी देखना हमें। ओए थर्ड पावर कौन सी होगी? ए भैया मुझे क्या पता थर्ड पावर कौन सी है। ए फाइनल उससे मार चुके अब सिटी में, और यहाँ पे हम इसकी पावर ट्राई करने वाले हैं। ओए कितनी तगड़ी स्पीड है, बाप रे बाप ये तो कुछ 40 स्पीड में चल रही है। ए भैया सही कहा, लेकिन मुझे इसकी थर्ड पावर देखनी। ये क्या स्मैश, स्मैश करके भैया एक बटन है प्रेस कर। अरे ये क्या भैया, ओए ये क्या कर रहा है तू? अरे ये तो भैया अर्थ की ग्रेविटी को कंट्रोल कर सकती है गाड़ी, ये देख रहे भैया सारे के सारे हवा में उड़ रहे हैं। अरे बाप रे तो बहुत ही डेंजर गड्डी है मुन्ना।
ए भैया देख रहे, सबको हवा में उड़ा दूंगा। अबे मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा ये भैया। अरे यार क्या करोगी भैया, वाह कितना मजा आ रहा है देखिए। अरे बाप रे मजा तो आ रहा है, लेकिन फाइनली दोस्तों हमारे पास ये गाड़ी भी आ चुकी है और इसकी हमने सारी पावर टेस्ट कर लिया, अब हम इससे भी लगा देंगे। ओए क्या कर रहा है यहाँ पे भी तूने गाड़ी को हिला दिया। ए दोस्तों लास्ट अपन की जो कि एलिमेंटल वाली कार रह चुकी वो है अपने पास एयर वाली कार। ओए मुन्ना एयर वाली कार मुझे लगता है कहाँ मिल सकती है, हवा में मिलेगी। और यहाँ पे लॉस सैंटोस में सबसे ऊंचा क्या है जो कि हवा में हो। ए भैया सबसे ऊंचा पता क्या है, यहाँ पे मेज बैंक बिल्डिंग है जो सबसे ऊंची है, मुझे लगता है वो एलिमेंटल कार यहीं पे होगी। दोस्तों फाइनली हम लोग हेलीकॉप्टर में आ चुके हैं और मेज बैंक बिल्डिंग में जा रहे हो। भैया के डिटेक्टर ने भी ये डिटेक्ट करा कि वो गाड़ी यहीं आसपास है, तो सबसे पहले हम टेस्ट करने वाले मतलब कि चेक करने वाले मेज बैंक बिल्डिंग पे कहीं वो गाड़ी ना हो। और यहाँ पे हम आ चुके हैं देखने शायद से यहाँ पे हमें कुछ मिल जाए। ओए मुन्ना डिटेक्टर बता रहे यहीं पे गाड़ी है। ए भैया चलो देखते हैं। अरे बाप रे वहाँ पे गाड़ी तो है। ओए यही तो एयर कार है, उसके अंदर से देख एयर भी निकल रही है। ए भैया सही कहा यार, उसके ऊपर एयर निकल रही है और यहाँ पे इतने सारे पत्ते भी उड़ रहे हैं। ये फाइनली दोस्तों अपन ने लास्ट वाली गाड़ी एयर एलिमेंटल कार भी ढूंढ निकाली है और यहाँ पे इतने सारे सूखे पत्ते भी उड़ रहे हैं साथ में। और इसमें हम ड्राइव करेंगे और ये सिंगल सीटर है वैसे। ओए मुन्ना मुझे ही बैठा। ए दोस्तों फाइनली ये गाड़ी तो काफी पावरफुल है और ये काफी हल्की महसूस हो रही है भैया। और ये गाड़ी की पत्ता है। ए भैया ये मुझे लगता है एयर से बनी गाड़ी है, तो हम एयर में फ्लाई तो नहीं कर सकते। ओए ट्राई कर। अरे बाप रे सही कहा, ये तो मुन्ना पत्तों की तरह उड़ रही है गाड़ी। ए दोस्तों ये उड़ तो रही है लेकिन मुझे चलाने नहीं आ रही। अरे बाप रे, ओए ये क्या करा तूने, हम नीचे गिर गए। ए भैया रुको यार, अभी मैं थोड़ा खुद यार चेक कर लो और इसको चलाना सीख लो, फिर तुम्हें सिखाता हूँ ना। ए भैया इसके कंट्रोल थोड़े टफ लग रहे क्योंकि इसको उड़ाना है चलाना नहीं है, तो बहुत ही डेंजर है ये। दोस्तों हम फिर से जा रहे हवा में और सीधा नीचे 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 नीचे। अरे बाप रे फिर से हवा में ट्राई करेंगे और हवा में गए। ओए मुन्ना रोक गड्डी गधेड़ा कहीं का। ए भैया रोक दिया यार, जल्दी बैठ जाओ अभी। ओए जल्दी बैठा मुझे। ए भैया आओ यार तुम दोनों भी ना सिंचन। अरे भैया रुको ना, मुझे भी बैठना है इस गाड़ी पे। अरे यार जल्दी आओगे। अरे यार वैसे गाड़ी है कैसी, मेरे से कंट्रोल नहीं हो रही। बाप रे ओए तू लेके फिर भाग गया। ए अभी दोस्त भैया के पास चले गए, लेकिन ये गाड़ी है क्या बवाल है। बाप रे ये तो रॉकेट की तरह सीधा हवा में उड़ जा रही है। और इसी के साथ देख रहे हो ये कितना मजा रहा है इस गाड़ी पे, मुझे सही में बहुत ही ज्यादा मजा। लेकिन मजे के चक्कर में भैया कहीं गुस्सा ना हो जाए, फिर मेरी पिटाई भी कर देंगे। और यहाँ पे दोस्तों देख रहे हो कितनी ज्यादा स्पीड है इसके अंदर, अबे लॉस सैंटोस की पुलिस तो कभी पकड़ भी नहीं पाएगी। ए भैया आ जाओ। और दोस्तों इसमें मुझे सेकंड पावर भी दिख रही है। ओए पहली पावर तो उड़ती है। ए भैया सही कहा, सेकंड पावर ये क्या है। बाप रे ये लोगों को उड़ाती भी है। ओ भाई ये क्या कर रहा है तू। ए भैया ये देख रहे हो सारे बंदे हवा में उड़ रहे हैं और इसके साथ सिंचन भी उड़ रहा है। अरे सिंचन तुम क्यों कूद गए। अरे मेरे बहुत ही मन कर रही। अरे रुको इसे। अरे बाप रे सिंचन भी डांस कर रहा है और यहाँ पे देख रहे हो सारे के सारे लॉस सैंटोस वासी डांस करने में लगे साथ में सिंचन भी। अरे कि भैया मैं घर मिलता हूँ आपको ठीक है। अरे ठीक है, लगता है सिंचन डर चुका है। ए भैया ओए मुन्ना ये कर क्या रहा है तू। बाप रे जो भी है बहुत ही मजा आ रहा है, सारे के सारे डांस कर रहे हैं। ए भैया सारे के सारे हवा की तरह पत्ते की तरह हवा में उड़ रहे हैं। ए ये स्पीड होती चाहिए ना भैया गाड़ी की। ओए मुन्ना यहाँ पे भी उड़ा जल्दी लोगों को, बहुत ही मजा आ रहा है मुझे देख के। ए भैया इधर भी देखो ये गाड़ी हिट रही है। ओए बीच की साइड चल मुन्ना, वहां पे बहुत सारे लोग होते हैं। ओए सारे लोगों को उड़ाएंगे ना तो बहुत ही मजा आएगा। ए भैया सही कहा यार, चलो बीच वाली साइड पे चलेंगे। ए दोस्तों बीच वाली साइड पे चलते और देखते कितना मजा आने वाला है। ओए मुन्ना जल्दी लेके चल। ए भैया रुको तो सही यार, उससे पहले ये गाड़ी है तो देखो कैसे हिल रही है ये। यहाँ पे भैया अरे बाप रे ये क्या, मैं क्रिस की तरह जंप लगा दिया। ओए ये गाड़ी तो बड़ी बवाल चीज है और इसकी स्पीड भी बहुत ही तगड़ी मुन्ना। ए दोस्तों वैसे सारी गाड़ियों की अपनी अलग अलग स्पेशल पावर होती है,
वैसे इसकी भी एक स्पेशल पावर है लोगों को हवा में उड़ाने की, और हम वहाँ पे जा रहे बीच साइड पे, और दोस्तों वहाँ पे तो मजा आने वाला है क्योंकि वहाँ पे लोग यार धूप का मजा ले रहे हैं। अब हम उन्हें मजा देने वाले हैं। ओए रोक रोक मना रोक दे ये भैया लेकर आ गए गाड़ी को। और दोस्तों अभी लोगों को पता नहीं क्या होने वाला है, ये देखो सारे के सारे, अरे बाप रे क्या मस्त लग रहा है, वो देखो सारे हवा में डांस कर रहे हैं, अरे वाह भाई बहुत ही मजा आ रहा है देख के तो मुझे। और ये नहीं गई, अरे ये भी जाएगी भैया, अरे ये भी गई फाइनली। लॉस सैंटोस के सारे लोग वैसे पत्ते की तरह हवा में उड़ रहे हैं। वैसे इस गाड़ी ने तो मजा कर दिया भैया, पानी में चल सकती है क्या गाड़ी? ओए क्या कर रहा है पानी में डुबा दिया, ए भैया हवा से बात करती है, चलो फाइनली मस्ती बहुत कर ली। अब इस गाड़ी को हम ले चलेंगे अपनी गैरेज में, और दोस्तों यार आप लोगों को बताना है कि आपको कौन सी गाड़ी सबसे बढ़िया लगी। ओए मुन्ना घर पता है ना कहाँ पे? ए भैया पता है मुझे यार, वो देखो अपना घर दिख गया। ओए वो नहीं है, अबे कहाँ लेके जा रहा है? अरे भैया अरे किसी और के घर में आ गए क्या? ओए किसी और के घर में आ गए, सही से ले चल। ए दोस्त फाइनली आप लोगों को बताना आपको यार कौन सी एलिमेंटल वाली कार सबसे बेस्ट लगी, अगर आपको चलानी हो तो कौन सी एलिमेंटल कार आप चलाना चाहोगे। ए इस वाली पावर को मैं ऑफ कर देता हूँ, यहाँ पे गाड़ी भी डांस करने में लगी पड़ी है। ए फाइनली पावर ऑफ कर दी, चलो इसे भी हम लेकर यहाँ पे खड़ी कर देते हैं। और फाइनली दोस्तों हमने कलेक्ट कर लिया है 4 एलिमेंटल कार्स, और आप लोगों को यार वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना है, और ये बताना कि आपकी बेस्ट कार कौन सी, और आपको मिलेगी तो इसमें से आप कौन सी गाड़ी को ड्राइव करना चाहोगे, और किसकी पावर सबसे बेस्ट है मतलब कि मस्त है, तो कमेंट में बताना। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए मेरे प्यारे दोस्तों बाय बाय, अपना ख्याल रखना।